एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट चैप्टर 5.1 में हो गए थे कोफैक्टर्स वगैरह, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, कब व्हेन वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल्स x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3 आर गिवन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 by 1 1 x2 by 2 1 x3 by 3 1, इसको सॉल्व करना है। एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू c1 के एक्सपेंड a11 पॉजिटिव 1/2 a11 i प्लस a1 पॉजिटिव रहेगा, x1 कॉलम वन रो को एक्सपेंड y2 1 by 3 1 -2 1 नेगेटिव होगा, -x2 ये रो और कॉलम 1 by 1 1 by 3 1 प्लस x3 by 1 1 by 2 1 1/2 x1 सेकेंड ऑर्डर का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट का by 1 into by 2 into 1 -by 3 into 1 -x2 by 1 -by 3 by 1 into 1 or by 2 into 1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और by 3 -by 1, ये फॉर्मूला 10th क्लास में था और 10th क्लास में डायरेक्ट था ये फॉर्मूला, याद हो तो ऐसे 1, 2, 123, 231 और 312 बताते थे, 10th के बच्चों का थोड़ा मेंटल लेवल नीचे होता है इसलिए बताते, अब इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, किसी से कर देना, कोई फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे क्या करना है इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू r1 r2 r3 किसी के भी कर देना, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड सेकेंड एप्लीकेशन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट से सेकेंड एप्लीकेशन कोलिनियर ऑफ थ्री पॉइंट्स, कोलिनियरिटी के लिए क्या करेंगे, इफ पॉइंट ए x1 by 1 b x2 by 2 एंड c x3 by 3 आर कोलिनियर, कोलिनियर को प्रूव करना है, आर कोलिनियर यानी एक लाइन पे है, थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन तो कोलिनियर, कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, तो कोलिनियरिटी के लिए कब क्या होगा, 1/2 x1 by 1 1 x2 by 2 1 and x3 by 3 1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ x1 by 1 1 x2 by 2 1 and x3 by 3 1 इक्वल टू जीरो, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ट्राइंगल जीरो का कोलिनियर है, तो इसके लिए कंडीशन ये रही, थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं तो x1 by 1 1 x2 by 2 1 and x3 by 3 1 की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है डिटर्मिनेंट की, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको पॉइंट में कोऑर्डिनेट के दे रखा है तो आपसे पूछेंगे के की वैल्यू करिए फाइंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आप कोलिनियर हैं लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर संरेख, कोलिनियर मतलब क्या, एक लाइन पर है, तीन पॉइंट संरेख हैं तो उनका एरिया क्या होगा, जीरो के बराबर, इसको सॉल्व करें तो क्या जाए। और थर्ड जो एप्लीकेशन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a x1 comma y1 एंड b x2 by 2, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए टेक a पॉइंट p xy ऑन द लाइन ए बी, ए बी पर एक पॉइंट ले लिया हमने, ए इज x1 comma y1 एंड बी इज
एक्स टू कॉमा बाई टू पी ऑन द लाइन एक्स वाई। देयरफोर पॉइंट ए पी एंड बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट पर एक पॉइंट एक्स वाई लेंगे, देन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों एक लाइन पर है संरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो, तो यहाँ लिख देंगे एक्स वन बाई वन वन, एक्स टू बाई टू वन और एक्स वाई वन इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, एक रिलेशन आएगा एक्स वाई में, वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू एक्स वन बाई वन एंड एक्स टू बाई टू। तीन एप्लीकेशन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। तीनों के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं एक एक। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल होल्स वर्टिसेस आर ए टू थ्री बी माइनस फाइव फोर एंड सी फोर थ्री। सीधे फॉर्मूला लिखना है, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स वन बाई वन वन, एक्स टू बाई टू वन, एक्स थ्री बाई थ्री वन, वन बाई टू, एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू एंड एक्स थ्री बाई थ्री। तो टू थ्री वन माइनस फाइव फोर वन फोर थ्री वन। एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू आर वन, तो वन बाई टू, टू रो एंड कॉलम, तो फोर वन सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, माइनस थ्री कॉलम और रो, तो माइनस फाइव वन एंड फोर वन, प्लस वन कॉलम और रो, तो माइनस फाइव कॉमा फोर और फोर थ्री, तो वन बाई टू, टू इंटू फोर बन जा फोर, माइनस थ्री बन जा थ्री, माइनस थ्री, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव माइनस फोर एंड प्लस वन इंटू माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वन बाई टू, बोलिए भाई, वन बाई टू टू इंटू वन, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू माइनस नाइन एंड प्लस वन इंटू माइनस थर्टी वन, प्लस वन इंटू माइनस थर्टी वन, वन बाई टू, टू वन जा टू, माइनस माइनस प्लस का ट्वेंटी सेवन और माइनस थर्टी वन, वन बाई टू, ट्वेंटी नाइन माइनस थर्टी वन, वन अपॉइंट टू इंटू माइनस टू माइनस वन। एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, एरिया नेवर बी नेगेटिव, देयरफोर यहाँ लिखेंगे एरिया नेवर बी नेगेटिव, देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन स्क्वायर यूनिट, वन स्क्वायर यूनिट। ये तो कोलिनियर वाले हैं भाई, एक्स माइनस टू नाम दे दो अपनी तरफ से, ए बी फाइव टू सी एट एट, आर कोलिनियर।
कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सॉल्यूशन, पॉइंट ए एक्स कॉमा माइनस टू, बी फाइव माइनस टू फाइव टू, एंड सी एट एट आर कोलिनियर. देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू जीरो, तो आप वन बाई टू एक्स वन बाई वन वन, एक्स टू बाई टू वन, एक्स थ्री बाई थ्री वन इज इक्वल टू जीरो. इधर भी हो जाएगा ये एक्स वन एक्स माइनस टू वन फाइव टू वन और एट एट वन इज इक्वल टू जीरो. वन बाई टू मल्टीप्लाई हो गया. इधर आगे सॉल्व कर दीजिए इसको. एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू आर वन एक्स रो और कॉलम टू वन एट वन माइनस माइनस टू माइनस तो आएगा ए वन टू के लिए और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस टू फाइव वन एट वन ये कॉलम और रो एंड प्लस वन फाइव टू एट एट फाइव टू एट एट इक्वल्स टू जीरो. एक्स इंटू टू माइनस एट माइ प्रोडक्ट माइनस एट माइनस माइनस प्लस टू इंटू फाइव माइनस एट प्लस वन इंटू एट फाइव जब फोर्टी माइनस सिक्सटीन इज इक्वल्स टू जीरो. एक्स इंटू माइनस सिक्स टू इंटू माइनस थ्री वन इंटू ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो. माइनस सिक्स इज इक्वल टू प्लस एटीन बराबर जीरो. सिक्स एक्स बराबर एटीन एक्स बराबर थ्री. ये है थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपको ये लिखना पड़ेगा पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो. वन बाई टू को नहीं लगाएंगे तो अभी चलेगा. ये था नाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए फोर थ्री बी माइनस फाइव टू. ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू स्क्वायर यूनिट वेयर सी इज इक्वल टू के जीरो. सी इज इक्वल टू के जीरो. दो क्वेश्चन है इसमें. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी. टेक ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए फोर थ्री एंड बी माइनस फाइव टू. ये ए फोर थ्री बी माइनस फाइव टू पॉइंट पी एक्स वाई देयरफोर पॉइंट ए पी एंड बी आर कोलिनियर.
देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीवी इज इक्वल टू जीरो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीवी इक्वल टू जीरो, वन बाई टू एक्स वन बाई वन वन, एक्स टू बाई टू वन, एक्स थ्री बाई थ्री वन इज इक्वल टू जीरो। लगा दीजिए भाई, वन बाई टू एक्स वन, एक्स वन ए के कोऑर्डिनेट क्या है, फोर थ्री वन, माइनस फाइव टू वन एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो। ये फोर थ्री वन माइनस फाइव टू वन एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू जीरो इंटू टू, ये टू इधर जाके फोर एडिट कर रहा हूँ भाई मैं, फोर के लिए ये और ये तो टू बन जा, टू माइनस बाई टू माइनस बाई माइनस थ्री कॉलम रो माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव और माइनस एक्स प्लस वन, ये रो कॉलम और रो माइनस फाइव बाई और माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एट माइनस फोर बाई प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव बाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स माइनस फाइव बाई माइनस फोर बाई नाइन बाई और एट और फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी थ्री विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन आ गई। देखो आंसर, पॉइंट ए फोर थ्री, बी माइनस फाइव कॉमा टू एंड सी के कॉमा जीरो, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू टू स्क्वायर यूनिट। तो वन बाई टू एक्स वन बाई वन वन, एक्स टू बाई टू वन, एक्स थ्री बाई थ्री वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, एरिया को क्या लेंगे प्लस माइनस टू। और ये एक्स वन फोर थ्री वन माइनस फाइव टू वन एंड के जीरो वन इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व कर दीजिए, फोर एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू आर वन फोर टू वन जीरो वन माइनस थ्री माइनस फाइव वन और के के वन, ये के वाई एंड प्लस वन, ये कॉलम रो माइनस फाइव टू के जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। तो फोर इंटू टू माइनस जीरो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस के प्लस वन जीरो माइनस टू के इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर, फोर टू जा एट माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन माइनस प्लस थ्री के और ये माइनस टू के इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। तो ये एट ट्वेंटी थ्री प्लस के इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर, टेकिंग पॉजिटिव साइन ट्वेंटी थ्री प्लस के इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एंड नेगेटिव साइन ट्वेंटी थ्री प्लस के इज इक्वल टू माइनस फोर। तो के इज इक्वल टू फोर माइनस ट्वेंटी थ्री, के इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन और के इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस ट्वेंटी थ्री, ये के की वैल्यू है। आरागमन क्रैमर रूल इक्वेशन सिस्टम बंद कर पहले। हाँ भाई, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में तीन एप्लीकेशन हो गई, फोर्थ एप्लीकेशन है सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल बाय डिटरमिनेंट मेथड और मैट्रिक्स मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड का नाम है क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड तो मैट्रिक्स मेथड है।
यूज ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स के साथ इधर आएगा क्रेमर रूल और वो कल करेंगे, ठीक है।